टनकपुर के जंगलों में लाडो चिड़िया रहती थी। बचपन में उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई, जिस कारण से वह अकेले ही अपने घर में रहती। वह कुछ समोसे अपने घर पर बनाकर रखती थी। उसे समोसा बनाना नहीं आता था, फिर भी वह किसी भी तरह समोसे बनाती थी और रोजाना उसे बेचने के लिए जाती थी। वह समोसे बनाकर जब बेचने के लिए ले गई तो कुछ पक्षी उसके समोसे खाने के लिए उसकी दुकान पर आए और उसके समोसे खाने लगे और बोले, हे भगवान लाडो, जब तुम्हें समोसा बनाना ही नहीं आता तो तुम समोसे बेचती ही क्यों हो? तुमने हमारे पैसे भी बर्बाद कर दिए हैं और हमारे मुंह का स्वाद भी बिगाड़ दिया। आज के बाद हम तुम्हारे यहाँ समोसे कभी नहीं खाने आएंगे। इससे अच्छा तुम कोई और काम क्यों ना कर लेती हो? यह सुनकर लाडो हताश हो जाती है और वह कहती है, ठीक है, तुम लोग मेरे दोस्त हो, तुम लोग मुझे गलत सलाह नहीं दोगे, मैं अब कुछ और काम करूंगी। और लाडो अब कबूतरी रानी के घर जाती है और कहती है, आप ही बताइए मौसी कि अब मैं क्या करूं? मेरे समोसे भी अच्छे नहीं बिक रहे हैं, अब मेरे पास कोई काम ही नहीं बचा है, मैं कैसे अपना खर्च चला लूंगी? यह सुनकर कबूतरी रानी बोली, तुम चिंता मत करो लाडो, मैं आज तुम्हें एक काम देती हूँ और तुम वो काम कर दो जिससे मैं तुम्हें आज का खाना खिला दूंगी। लाडो कहती है, ठीक है, आप मुझे बताइए क्या करना है। कबूतरी रानी कहती है, मैंने जंगल में लकड़ियाँ काट कर रखी है, तुम बस जाओ और उन लकड़ियों का गट्ठर उठाकर लेकर चली आओ। और लाडो जंगल में जाती है, तभी उसे एक छोटी सी पक्षी नजर आती है। वह उस चिड़िया को देखकर कहती है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों अकेले हो? यहाँ पर बहुत से शिकारी पक्षी घूमते हैं, कहीं वह तुम्हारे ऊपर हमला ना कर दे, तुम अपने घर चली जाओ। यह सुनकर छोटी चिड़िया कहती है, मैं खेलते खेलते रास्ता भटक गई, इस कारण से मैं अपने घर से दूर हो गई हूँ। लाडो चिड़िया छोटी चिड़िया को रास्ता बताती है और वह चिड़िया वहाँ से चली जाती है। यह सब बातें एक भूतनी चिड़िया सुन रही थी और वह लाडो को उदास देख अपना रूप बदल लेती है और लाडो के पास जाती है। लाडो से कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम बड़ी उदास लग रही हो, तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी है क्या? इस पर लाडो कहती है, क्या बताऊं दादी, मेरी माँ बचपन में ही मर गई और अब मैं समोसे बनाकर बेच रही थी, लेकिन वह भी अच्छे नहीं बने, और आज कबूतरी मौसी ने मुझे जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए कहा है और वह इसके बदले मुझे कुछ अच्छा भोजन देंगी। यह सुनकर भूतनी चिड़िया को बहुत दया आ जाती है और वह लाडो से कहती है, ठीक है, तुम यह लकड़ियाँ आज जाकर अपनी मौसी के घर पहुँचा दो, कल तुम इसी वक्त मुझे यहाँ मिलना, मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगी। यह सुनकर लाडो कहती है, ठीक है, और लाडो गट्ठर लेकर वहाँ से चल देती है। वह सोचने लगती है कि कल मेरे साथ क्या होगा, लेकिन फिर भी वह उस भूतनी चिड़िया पर भरोसा कर लेती है और गट्ठर लेकर कबूतरी रानी के घर चली जाती है। बदले में कबूतरी रानी उसे कुछ अच्छा खिलाती है और लाडो अपने घर चली जाती है। रात भर बहुत सोचने के बाद लाडो फैसला लेती है कि मैं उस चिड़िया से जरूर मिलने जाऊंगी। और अगले दिन सुबह होती है, लाडो चिड़िया से मिलने के लिए निकल पड़ती है। भूतनी चिड़िया लाडो का इंतजार कर रही थी। वह लाडो को आता देख तुरंत अपना रूप बदल लेती है और लाडो से कहती है, आ गई बेटी तुम,
मैं भी अकेली हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम चाहो तो मेरे घर में मेरे साथ रह सकती हो और मेरे पास कुछ पैसे भी है जिससे कि हमारा घर अच्छा चल सकता है और मैं तुम्हें कुछ अंडे दूंगी और तुम रोजाना उन्हें बेचकर पैसे ले आना। इससे हम दोनों की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। लाडो उसकी बात मानकर उसके घर में रहने लगती है और रोजाना अंडे बाजार में ले जाकर बेचती है। कालू कोवा देखता है कि लाडो अब बहुत खुश रहने लगी है। यह बात उसे हजम नहीं होती है। वह सोचता है, इतनी परेशान रहने वाली लाडो आज इतनी खुश कैसे है? अब तो इसे कोई दिक्कत ही नहीं समझ आती और यह अपने घोंसले भी नहीं जाती। यह रहती कहाँ है और रोजाना इतने अंडे लाकर बेचती कहाँ से है? एक दिन कालू कोवा लाडो का पीछा करता है और उसके रहने का ठिकाना ढूंढ लेता है। रात हो जाती है और वह देखता है कि एक बूढ़ी चिड़िया लाडो के साथ रहती है। जब लाडो सो जाती है तो रात में वह भूतनी चिड़िया बाहर आती है और अपने जादू से ढेर सारे अंडे बना देती है, जिसे देखकर कालू बिल्कुल डर जाता है। और अगले दिन यह बात वह सभी पक्षियों को बताता है। सभी पक्षी उसकी बातें सुनकर उस पर भरोसा नहीं करते हैं और कहते हैं, चलो हम लाडो के घर चलते हैं और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सभी लाडो के घर जाकर लाडो को आवाज लगाते हैं। लाडो घर से बाहर आती है और पूछती है, क्या हुआ, तुम लोग इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या करने आए हो? इस पर कालू कौवा बोला, ठीक है, पहले तुम उस बूढ़ी चिड़िया को बुलाओ। और चिड़िया बाहर आती है और पूछती है, क्या हुआ, तुम लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो? इतने पर कालू कहता है, तुम एक भूतनी चिड़िया हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर बूढ़ी चिड़िया बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं एक चिड़िया हूँ और तुम मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते। ऐसा सुनते ही कालू तुरंत उस पर गंगा जल छिड़कने लगता है और चिड़िया अपने रूप में आ जाती है। उसका भूतिया रूप देखकर सभी डर जाते हैं और भूतनी चिड़िया कहती है, कृपया मेरे ऊपर अब गंगाजल ना फेंको, नहीं तो मेरा शरीर भस्म हो जाएगा। यह सुनकर लाडो कहती है, अब तुम लोग रुक जाओ, एक बार उनकी बात तो सुन लो। और कालू गंगाजल फेंकना बंद कर देता है। भूतनी चिड़िया कहती है, मैं एक दुष्ट भूतनी चिड़िया नहीं हूँ, मैं एक बहुत अच्छी भूतनी चिड़िया हूँ। जब मैं छोटी थी तब कुछ पक्षियों ने मुझे मजाक मजाक में रस्सी से टांग दिया और मेरा दम घुटने लगा, जिससे कि मेरी मृत्यु हो गई और मेरी आत्मा इधर उधर घूमने लगी। यह सुनकर लाडो चिड़िया भी बहुत उदास हो जाती है और कहती है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ और अब मैं यही रहूँगी। इस पर भूतनी चिड़िया बोली, नहीं लाडो बेटा, अब मेरा जाने का समय हो गया है। तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी और तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। कालू ने गंगाजल छिड़क कर मुझे मुक्ति दे दी है। तुम एक बार मुझे दादी माँ कहकर पुकारना, तुरंत तुम्हारे पास चली आऊंगी। लाडो उदास होकर कहती है, ठीक है दादी माँ, आप जाइए। और अब भूतनी चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती है। चिड़िया अपने पति गोलू और अपने दो बच्चों के साथ एक पेड़ पर रहती थी। लाडो चिड़िया का पति गोलू रोजाना सुबह अनाज की खोज में निकल जाता था और शाम में अनाज लेकर वापस लौट कर आता था। यही उसकी दिनचर्या थी। और लाडो चिड़िया घोंसले में बैठकर अपने बच्चों की देखरेख करती थी।
एक दिन गोलू अनाज की खोज के लिए जा रहा था, तभी वह लाडो चिड़िया से बोला, लाडो तुम दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। कल के लिए अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम ही इन दोनों का ख्याल रखोगे। सुनकर लाडो बोली, ऐसा क्यों कहते हैं जी? आपको कुछ नहीं होगा, आप सही सलामत घर पर आएंगे। यह सुनकर गोलू बोला, तुम ठीक कहती हो, लेकिन फिर भी तुम अच्छे से दरवाजा बंद कर लो, क्योंकि इस समय शिकारी पक्षी बहुत घूम रहे हैं और मुझे इसका डर लगा रहता है। सुनकर लाडो बोली, ठीक है, आप जाइए, मैं दरवाजे को अच्छे से बंद कर लूंगी। इतना सुनकर गोलू चिड़ा वहां से चला जाता है। गोलू चिड़ा अनाज की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी रात हो जाती है और लाडो परेशान होने लगती है। अभी तक गोलू घर लौट कर नहीं आया और उसके मन में डर सताने लगता है कि कहीं गोलू को शिकारी पक्षियों ने तो नहीं पकड़ लिया, और वह बैठ कर रोने लगती है। तभी उसके बच्चे बोलने लगते हैं, माँ आप रो क्यों रही हैं और पापा अभी तक आए क्यों नहीं? सुनकर लाडो सोचती है, मुझे बच्चों को यह बात नहीं बताना चाहिए कि कहीं उसके पापा शिकारियों की जाल में तो नहीं फंस गए, अभी यह छोटे हैं, यह चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। और लाडो कहने लगती है, हो सकता है आंधी तूफान भरा मौसम है तो तुम्हारे पापा कहीं सुरक्षित जगह रुक गए होंगे और वह कल सुबह आएंगे। अगले दिन सुबह भी गोलू वापस नहीं आता। इस पर लाडो सोचती है, अब लगता है आज मुझे ही अनाज की खोज में जाना पड़ेगा। वह अपने बच्चों से कहती है, तुम दोनों आपस में बिल्कुल भी शरारत मत करना और एक दूसरे का ध्यान रखना। मैं अभी अनाज के लिए जा रही हूँ और अनाज लेकर शाम तक लौटूंगी। यह सुनकर लाडो चिड़िया के बच्चे बोले, ठीक है माँ, आप जाइए, हम दोनों बिल्कुल भी शरारत नहीं करेंगे और घर से बाहर भी नहीं जाएंगे। लाडो अनाज की खोज में निकल पड़ती है। दूर दूर तक उसे अनाज नहीं दिखाई देता। एक जगह उसे फलों की खेती दिखाई पड़ती है। वह एक फल उठा लेती है और सोचती है, आज इसी से अपने बच्चों का गुजारा कर लूंगी। तभी अचानक से आंधी तूफान आ जाता है और बिजली चमकने लगती है, तेज बारिश होने लगती है। लाडो डर जाती है, कहीं तेज बारिश में मैं घर ना पहुंच पाऊँ, नहीं तो मेरे बच्चे अकेले परेशान हो जाएंगे। और लाडो किसी तरह उड़ते हुए जाती है। तभी अचानक से लकड़ी का एक टुकड़ा उसे लग जाता है और वह बेहोश हो जाती है। उसकी आँख खुलती है तो वह अपनी याददाश्त भूल चुकी थी। पास बैठी एक चिड़िया सब कुछ देख रही थी और वह समझ जाती है कि यह चिड़िया किसी मुसीबत में है। मीनू चिड़िया बाहर निकलती है और वह कहती है, क्या हुआ चिड़िया बहन, तुम बाहर क्यों बैठी हो? कितनी बारिश में, अभी के लिए तुम मेरे घर में आ जाओ, वरना तुम बीमार पड़ सकती हो। लाडो याददाश्त हो चुकी थी, इस कारण से वह चुपचाप से मीनू चिड़िया के घर में चली जाती है। मीनू चिड़िया कहती है, तुम कौन हो और कहां से आई हो? तुम इस जंगल की तो नहीं लगती हो। यह सुनकर लाडो चिड़िया बोली, मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है। यह सुनकर मीनू चिड़िया बोली, अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे खाने की व्यवस्था कर देती हूँ और हो सके तुम्हें कुछ याद आए तो मुझे बताना। यह सुनकर लाडो चिड़िया बोली, ठीक है। तभी मीनू चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठकर खेल रही थी।
नीलू चिड़िया के बच्चों को खेलता देख अचानक से धीरे धीरे लाडो चिड़िया को सब कुछ याद आने लगता है और वह कहती है, मेरे भी दो बच्चे हैं और मैं सुंदरपुर के जंगलों की रहने वाली हूँ। यह सुनकर नीलू बहुत खुश होती है। यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें सब कुछ याद आ गया। और लाडो परेशान होने लगती है कि बारिश से मेरे बच्चे अकेले होंगे कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। नीलू चिड़िया बोली, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे बच्चे अच्छे होंगे। तभी थोड़ी देर में नीलू चिड़िया का पति कालू वहां आ जाता है और कहता है कि यह चिड़िया कौन है, यह तो हमारे जंगलों की चिड़िया नहीं लग रही है। तभी लाडो बोली, भैया मैं पास के जंगल की रहने वाली हूँ और मैं अपने घर से दूर हो गई हूँ और मुझे अपना घर याद नहीं आ रहा है, मेरे दो बच्चे हैं। यह सुनकर नीलू का पति बोला, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ तुम्हारे गांव और तुम्हारे परिवार वालों को ढूंढ कर आता हूँ। वह रास्ते में जा ही रहा था तभी उसे एक पक्षी शिकारी पक्षियों से लड़ता नजर आया। नीलू का पति कालू सोचा, मुझे भी इस पक्षी की मदद करनी चाहिए, नहीं तो यह अकेले मर जाएगा। और वह उस पक्षी की मदद करता है और दोनों शिकारी पक्षी को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। पक्षी कालू कौवा को धन्यवाद देता है और कहता है, तुम तो इस जंगल के नहीं लगते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यह सुनकर कालू कौवे ने लाडो के बारे में सारी बात बताई। तभी वह पक्षी बोल पड़ता है, मैं ही लाडो का पति गोलू हूँ और यह हमारे दो बच्चे हैं। लाडू ठीक तो है ना, चलो मुझे उससे मिला दो। कालू कौवा सभी को लेकर लाडो से मिलाने के लिए अपने घर लेकर आता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।